दिखाई दे रही है श्रोता बंधुओ। कन्हैया से सब लोग बोले मोहन अब हम किधर जाए, एक जिंदा नहीं छोड़ेगा घर से हम, अब क्या करें। तो भगवान बोले तो चिंता काहे को कर रहे हो, वृंदावन के लोगों जिन गोवर्धन का तुमने सम्मान किया है आज वही तुम्हारा काम भी तो निकालेंगे। भाग्य श्याम गोवर्धन को उठा लिया, वो अपने सीधे हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली पे धारण किया, वो आवाज लगाई आजा सब लोग आजा, जिनका तुमने पूजा पूजन किया वही काम भी निकाले, आ जाइए सब लोग गोवर्धन के नीचे आ जाओ। भाग भाग के सब पहुंच गए, पानी बरस ही रहा है लेकिन एक करामात उस गोवर्धन में अलग से नजर आई। वो गिर इतना ज्यादा गर्म हुआ जो बूंद भी नहीं ठहराती है, और हर धारा भाप बन जाती है, आते आते जल जाती है। पहाड़ इतना गर्म हुआ जो भी जल उस पे पड़ता है वो जल जल जाता है, फिर भाप बन के आकाश उड़ जाता है। 3 दिन हो गए लगातार पानी बरसते बरसते, तो यशोदा ने सब ग्वालों से कहा बड़े पत्थर दिल के वो तुम लोग, कन्हैया ने जब से गोवर्धन सादा तनिक आराम नहीं मिला, अरे थोड़ा थोड़ा सहारा लगा जो कन्हैया को आराम मिल जाए, और कोई नहीं बोला। अब मनसुखा ने लाठी उठाई गोवर्धन बाहर से लगाई, ताकत दिखाई और आवाज लगाई हट जा हट जा हट जा, हम तुझसे किस बात में कम है, जिस घर में तूने माकर खाया उसी में हमने भी खाया, हट जा अलग हम साथ रहेंगे। जब ये कहा के साथ रहेंगे तब तक राधा कन्हैया की तरफ देख करके हंस गए, और जो राधा हंसी तो भगवान भी हंस गए, और जब भगवान हंसे एक बात बिगड़ी गई। अब हुआ ये बहन की वह हंसी में सही गई नीचे गिर गया तो क्या होता। कन्हैया बोले खड़े रहो कुछ नहीं होगा।